हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज जयंत तिवारी। मैं आप लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स ले रहा हूं आप लोगों के लिए। तो ये उस सीरीज का 12वां लेक्चर है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कॉर्नवालिस और जॉन शोर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अभी हम लोग जो 1857 के स्वाधीनता संग्राम तक जितने भी गवर्नर जनरल हुए थे उनको कर रहे हैं, और उनसे रिलेटेड उनकी जो भी पॉलिसीज थी और उनके टाइम में जो भी एक्ट वगैरह आ रहे थे, तो वो हम साथ में लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये 12वां लेक्चर है। तो अब तक जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो इससे क्या होगा कि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आएगा। ठीक है, तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको पूरा कॉर्नवालिस के बारे में सब कुछ बता दिया था। ठीक है, उसके आने की क्या के टाइम में क्या कंडीशंस थी, क्या क्या सुधार उसने किए, तीन टाइप के ज़्यादातर रिफॉर्म्स किए थे, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू। ठीक है, तो वो पूरा जब बताया था आपको जुडिशियल रिफॉर्म में जो कि दीवानी और फौजदारी के लिए इसने क्या किया वो पूरा समझाया था मैंने। इसके बाद कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस का जनक माना गया था, पुलिस सेवा का जनक माना गया था। ठीक है, इसके बाद फिर इसने रेवेन्यू सिस्टम के लिए स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू करी थी, है ना, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे मैंने बताए थे, कैसे इसको अप्लाई किया गया था वो सब बताया था, किस एरिया में अप्लाई किया गया था और उसके क्या परिणाम आए, वो सारी चीज़ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। ठीक है, और जॉन शोर इन्होंने कॉर्नवालिस की सहायता की थी इस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम को लागू करने के लिए। ठीक है, तो आगे चल के कॉर्नवालिस के बाद में जब वो चले गए तो इसके बाद जॉन शोर को अगला वायसराय बनाया गया था, और ये काफ़ी उदासीन रहे, मतलब उदासीन मीन्स पॉलिसी ऑफ न्यूट्रैलिटी थी इनकी। इन्होंने ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं किया भारतीय रियासतों में उन पे कब्जा करने के लिए। ठीक है, इनका मेन फोकस किस पे था, फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे, पैसे से रिलेटेड, रेवेन्यू से रिलेटेड चीज़ों पे ही ज़्यादा फोकस था जॉन शोर का। ठीक है, तो वो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद जो PSS था, परमानेंट सेटलमेंट्स के क्या प्रभाव हुए, एक बहुत खतरनाक 2G12 अकाल आया था जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो गई, कॉर्नवालिस कोर्ट के बारे में सब बताया मैंने आपको। इसके बाद ये चार्टर एक्ट 1793, इसके बारे में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। एक्चुअली जो लेक्चर नंबर 11 है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत कम लोगों ने इसको देखा है। आई थिंक बहुत लोगों इसको नहीं देखा है तो उसको जरूर देखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए गए इस लेक्चर में। तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेक्चर नंबर 12। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे लॉर्ड लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। ये भी बहुत ज़्यादा महत्व तो रखते हैं भारत के इतिहास में। ठीक है, चूंकि ये जो लॉर्ड वेलेस्ली थे ये इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को इंडिया में बढ़ाने में सबसे ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, तो वेलेस्ली कब आए थे इंडिया में, जॉन शोर के बाद 1798, 1798 से 1805, ठीक है, 7 वर्ष तक ये भारत में रहे, और इन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश ब्रिटिश साम्राज्य को इंडिया में बढ़ाया। एक्चुअली इन्होंने ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया को ब्रिटिश एम्पायर ऑफ द इंडिया में कन्वर्ट किया। आप मेंस का जब भी आंसर लिखिएगा तो आप इसको आप वहां पे कोट कर सकते हो। ठीक है, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को ब्रिटिश एम्पायर ऑफ इंडिया, भारत का ब्रिटिश साम्राज्य में परिवर्तित किया। ठीक है, और ये सेल्फ एक्लेम थे, खुद को ये बंगाल टाइगर कहलाना पसंद करते थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हु वॉज द बंगाल टाइगर, या बंगाल टाइगर उपाधि किस गवर्नर जनरल को दी गई थी, तो वो थे लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, ओके, काफी हैंडसम सा बंदा है, आपको याद रहेगा निश्चित रूप से। और जो जब ये भाई साहब इंडिया में आए थे तो इनके जो एम थे, इनका मेन मेन उद्देश्य क्या था, सीधा था, साम्राज्य को विस्तार करना। ठीक है, साम्राज्य का विस्तार करना। इसके पहले जो जॉन शोर थे उनका ऐसा कुछ एम नहीं था। ठीक है, इनकी पूरी उदासीन नीति रही थी इस बारे में। ठीक है, तो ये इस विचारधारा को लेकर आए थे, और इन्होंने सबसे जो मेन हथियार यूज किया वो थी सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस। इसके बारे में बहुत डिटेल से मैं बता चुका हूँ, है ना, बेसिक चीजें ये आपको पता होनी चाहिए तो आप अच्छे से समझ सकते हो। तो ये बेसिक इसका सब बता चुका हूँ आपको, सब्सिडरी अलायंस का कैसे इन्होंने क्या किया। तो इसका सबसे तगड़ा उपयोग किसने किया, लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है, पर सब्सिडी अलायंस को पहली बार वेलेस्ली ने इस्तेमाल नहीं किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने इसका इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ओके, तो जब ये वेलेस्ली इंडिया में आया था उस समय राजनीतिक दशा क्या थी, आप ये देखिए। तो उत्तरी पश्चिमी सीमा पर जमन शाह इनके इसके आक्रमण का खतरा था।
देखो, जो उसने सहायक संधियां अपनाई, आपको मैं सब समझा चुका हूँ सहायक संधि का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो अगर आप उस इसको समझ चुके हो तो अब आप जब ये देखोगे ना तो आप समझ में आएगा कि क्यों उसने सहायक संधि का उपयोग किया। पश्चिमी उत्तरी सीमा जो नॉर्थ वेस्ट है ना, जो पंजाब का एरिया था, वहां से जमन शाह के आक्रमण का खतरा था। तो उसने क्या किया, मैंने बताया ना, सहायक संधि आपको एक बफर स्टेट के रूप में काम करती थी। आपका स्टेट यहाँ है तो इसके आसपास के जो स्टेट्स हुआ करते थे तो आप उससे संधि कर लेते थे। तो यहाँ पे जमन शाह का आक्रमण होना, तो उसने पंजाब से संधि कर ली। तो अब जो पहला अटैक होगा किसके ऊपर होगा, पंजाब के ऊपर, आपके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं होगा, है ना। तो ये देखो, इसलिए उसने सहायक संधि की नीति अपनाई, है ना। इसके मराठा अभी भी एक सेंटर में, जो सेंटर इंडिया था है ना, उसमें एक पावरफुल थे ये लोग, है ना। पूरी तरह सबजुगेट तो नहीं किया था मराठास को, अभी तो चल रहा था इनका। इसके बाद निजाम, निजाम ने तो खैर कोई हरकत नहीं की थी, पर निजाम ने फ्रेंच लोगों के साथ में, फ्रांसीसियों के साथ में इनके मित्रतापूर्ण संबंध थे, वो पसंद नहीं थे इनको, ठीक है। फ्रांस वैसे तो खत्म हो चुके थे अब तक इंडिया में, लेकिन फिर भी है ना, फिर भी जो थे वहां बिजनेस चल रहा था तो उनके इनसे रिलेशन थे। इसके टीपू सुल्तान वॉज द मेन एनिमी। टीपू सुल्तान से डरते थे, टीपू सुल्तान मैसूर में इनका मुख्य शत्रु था, ठीक है। तो जिसको सब्जुगेट किया वेलेसली ने, सबसे मेन यही था। इसने जो चौथा आंग्ल आंग्ल वार हुआ था ना 1799 में, तो उसमें इसने मैसूर को कैप्चर किया, सुल्तान को मौत के घाट उतारा। इसके बाद जो है जॉन शोर के द्वारा अपनाई गई उदासीनता की नीति, जिसकी वजह से साम्राज्य विस्तार में रुकावट आ चुकी थी, है ना। एक माहौल बदल गया था, एकदम उदासीन सा था, तो उसको तेज करना था, वो एक था। और इसके बाद नेपोलियन का डर, नेपोलियन का डर था, चूंकि नेपोलियन ऑलरेडी पूर्व दिशा में बढ़ चुका था, उसके मूवमेंट पूर्व दिशा में थे, और उसका एक मेन उद्देश्य ही था कि भारत में जाके ब्रिटिशर्स को हरा के भारत को फ्रेंच कॉलोनी बनाना, ठीक है। ये मेन था नेपोलियन का, क्योंकि देखो भारत उस समय ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी कॉलोनी हुआ करती थी। और नेपोलियन क्या कर रहा था, जहां अफ्रीका के अंदर जहां जहां ब्रिटिशर्स की कॉलोनी होती थी वहां वहां पे जाके वो अटैक करता था। भाई फ्रांस और इंग्लैंड ये तो दोनों ही जान दुश्मन हुआ करते थे ना। तो इसका था मेन था कि वैसे भी जो वांडीवास की लड़ाई थी उसमें फ्रांसीसियों को हरा के भगा दिया था इंग्लैंड ने, तो बदला तो लेना ही था। तो फिर नेपोलियन के अंदर चल रहा था कि मैं ब्रिटिश से भारत की कॉलोनी छीनूंगा, तो उसका एक डर था, नेपोलियन का एक डर था। तो इन सभी रीजंस की वजह से वेलेस्ली ने सहायक संधि को अपनाया, और क्या खूब इसका इस्तेमाल किया है, जबरदस्त है ना। वो सब बताया मैंने आपको। तो मुख्य इसका क्या था, सहायक संधि का प्रयोग। फोर्थ चौथा आंग्ल मराठा युद्ध 1799 में ये हुआ, इसके साथ ही टीपू सुल्तान को मौत के घाट उतार दिया गया, और मैसूर में जो है वाडियार डायनेस्टी को इन्होंने एक एक राजा बना दिया, और सहायक संधि के रूप में इसको कब्जे में ले लिया। इसके बाद सेकेंड मराठा आंग्ल युद्ध हुआ, सेकेंड मराठा आंग्ल युद्ध 1803 से 1805 तक, ठीक है। तो ये इसके मेन थे डेवलपमेंट्स। इसके बाद ये महान साम्राज्य निर्माता था। इस टाइप के क्वेश्चंस आप लिख सकते हो अपने इसमें, जब आप मेंस का आंसर लिखोगे, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, है ना, वेलेस्ली के ऊपर कुछ आता है तो आप लिख सकते हो। इसके बाद इसने कमजोर जो वीक पॉइंट्स थे ना, कमजोर कमजोर बिंदु, उनको बहुत अच्छी तरह ढूंढा, क्योंकि उन्हीं का, जब आप वीक पॉइंट्स को ढूंढोगे ना तभी तो आप उनका यूज करके सहायक संधि का प्रयोग कर पाओगे। अब जैसे आपका ये ब्रिटिशर्स है, इधर अगल बगल दो स्टेट लड़ रहे हैं, तो किसके पास जाना है, इसके पास जाना है कि इसके पास जाना है, तो ये सभी देखे ना उसने वीक पॉइंट्स की, कौन कैसा रहेगा। तो इन सब चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझा, और उसी की वजह से ये जो सब्सिडरी अलायंस थी सहायक संधि, इसका इसने इतना अच्छा उपयोग किया, है ना। तो जब वेलेस्ली के बाद, इसके बाद कॉर्नवालिस दोबारा आए सेकेंड टाइम, बट 1805 में दोबारा आया, और 6 महीने के अंदर ही इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो गाजीपुर में इसकी समाधि है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में, है ना, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद 6 महीने की मृत्यु के बाद दोबारा जो है नेक्स्ट जो गवर्नर जनरल थे वो सर जॉर्ज बर्लो, ये 1805 में आए थे, और 2 साल तक ही रहे ये, ठीक है। तो इनके लिए आप ये याद रख सकते हैं कि वेल्लोर म्यूटनी हुई थी 1806 में,
ये वेल्लोर में एक विद्रोह हुआ था, सैनिकों का छोटा सा विद्रोह था, तो वो किसके टाइम पीरियड में हुआ था? जॉर्ज बेरलो के टाइम पीरियड में। ठीक है, तो ये है हमारे जॉर्ज बेरलो। तो इन्होंने कार्नवालिस की बहुत ही हेल्प करी थी पुलिस रिफॉर्म्स में, तो उस टाइम भी थे इंडिया में, पर कुछ निचली पोस्ट में रहे होंगे कार्नवालिस के टाइम में। तो इसके बाद बार्लो के जाने के बाद लॉर्ड मिंटो आए, ये आए 1807 से 1813, 5 साल तक ये रहे। और इनका क्या मेन योगदान है मिंटो का? मिंटो ने राजा रणजीत सिंह के साथ में 1809 में अमृतसर की संधि पे हस्ताक्षर किए थे। ये संधि हुई थी इन दोनों के बीच में, मिंटो और रणजीत सिंह के। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट है ना। और अमृतसर के संधि में क्या हुआ था, ये मैंने आपको बताया था जब सिख के बारे में आपको मैंने पढ़ाया था, सिख का, कि सतलज नदी के पूर्व में सिख नहीं जाएंगे और पश्चिम में अंग्रेज इंटरफियर नहीं करेंगे। उसके लिए उन्होंने, रणजीत सिंह ने थोड़ी सी जमीन अंग्रेजों को दी थी। ठीक है, इसके बाद मिंटो के टाइम में 1813 चार्टर एक्ट पारित हुआ। तो ये आप जरूर याद रखना, ये सब पूछा जा सकता है कि 1813 का जब चार्टर एक्ट पारित हुआ था तो गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड मिंटो। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल। ओके, अभी चार्टर एक्ट को हम डिस्कस करेंगे थोड़ा अच्छे से। उससे पहले हम लॉर्ड हेस्टिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। फिर कॉर्नवालिस, देखो हेस्टिंग काफी इंपॉर्टेंट था, वॉरेन हेस्टिंग, देन आपका कॉर्नवालिस काफी इंपॉर्टेंट था, वेलेस्ली काफी इंपॉर्टेंट था। इसके बीच में तो आते रहे छोटे मोटे, इनके जो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बता दिए, पर ये लॉर्ड हेस्टिंग ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। तो ये 10 साल तक रहा था इंडिया के अंदर, 1813 से 1823 तक। ठीक है, तो इसने भी वेलेस्ली के बाद में यही बंदा आया था फॉरवर्ड पॉलिसी लेके, मतलब विस्तार की जिसकी नीति थी, है ना। वेलेस्ली के बाद के जो बंदे थे उनके अंदर ये फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं थी उनके अंदर। ठीक है, तो वेलेस्ली हेस्टिंग आया और इसने बहुत सारे युद्ध किए और इसने दोबारा फिर साम्राज्य का विस्तार किया। ठीक है, ब्रिटिश शक्ति का भारत में विस्तार किया। ओके, इसके मेन अचीवमेंट में आपका गोरखा और पिंडारियों का दमन माना जाता है। क्या हुआ था? गोरखा से युद्ध 1814 से 1816 इनके बीच आंग्ल और गोरखा से युद्ध हुआ। गोरखा जानते हो आप, नेपाल में होते हैं। तो ये जो तराई का रीजन है ना, तराई क्षेत्र, ठीक है, तो यहाँ पे ये गोरखा अपना बोलते थे कि ये मेरा एरिया है, और इस चीज को लेके फिर इनका युद्ध हुआ अंग्रेजों का और गोरखा के बीच में, जिसमें गोरखा हार गए और ये पूरा तराई का क्षेत्र कुमायूं और गढ़वाल ब्रिटिश के अंदर आ गया। ठीक है, तो इसके लिए गोरखा युद्ध के बाद में जब गोरखा हारे तो सगौली की संधि हुई थी। ठीक है, सगौली की संधि के बाद ये कुमायूं गढ़वाल और तराई का क्षेत्र पूरा ब्रिटिश इंडिया के अंदर आ गया। तो इस तरीके से ये नॉर्थ में जो सब्जुगेशन था वो काफी हद तक कंप्लीट हो गया था, पंजाब को छोड़ के। ठीक है, यहाँ तक 1816 तक। इसके बाद पिंडारियों का दमन किया। पिंडारियों का मैं बता चुका हूँ आपको जब पढ़ा रहा था आपके मराठा के बारे में, कि पिंडारी कौन हुआ करते थे? ये लुटेरे हुआ करते थे एक रूप में, जो जंगलियों जंगल में रहा करते थे, कबीलों के रूप में रहा करते थे, और जब मराठा फौज जाती थी कहीं लड़ने के लिए तो उसके साथ ये जाते थे, ये लड़ते थे। इनको कोई वेतन वेतन नहीं मिलता था, ये सिर्फ अपना जहां पे गए वहां लूटपाट करके जो कुछ भी मिला ले आते थे। तो ये पिंडारियों ने बहुत उधम मचा रखा था, तो इसको सब्जुगेट किया इसने, हेस्टिंग ने। ठीक है, और इन्हीं का, पिंडारी का बहाना लेकर ही तीसरा मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1819 के बीच में। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, है ना। इसमें क्या हुआ था, दो दो रीजन दिए थे ना, जब थर्ड मराठा युद्ध स्टार्ट हुआ था, एक तो पिंडारी और दूसरा जो एम्बेसडर को गायकवाड़ लोगों ने मार दिया था, तो उसकी वजह से उनका बेस बना के तीसरा मराठा युद्ध स्टार्ट हुआ था। अगर आपको पूरा पढ़ना है मराठा, तो मैंने पीछे बता चुका हूँ मराठा को कैसे सब्जुगेट किया, वो वाला वीडियो देख लीजिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट जो है डेवलपमेंट किए थे आप याद रखेंगे हेस्टिंग्स ने, और इसने रिफॉर्म्स भी किए थे जिनके लिए इसको जाना जाता है हेस्टिंग। तो क्या हुआ था, मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया था। किसके लिए? रेवेन्यू के लिए, है ना। तो रैयतवाड़ी सिस्टम किसने लागू किया था? लॉर्ड हेस्टिंग, ये याद रखिएगा आप, है ना। परमानेंट किसने लागू किया था? कॉर्नवालिस ने। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो कॉर्नवालिस ने पुलिस सिस्टम बंगाल के अंदर स्टार्ट किया था ना, उस पुलिस सिस्टम को हेस्टिंग ने बंगाल के बाहर पूरे ब्रिटिश भारत के अंदर लागू कर दिया। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट था। इसके बाद जो कॉर्नवालिस के टाइम में क्या हुआ था, जो उसका डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था, कलेक्ट, है ना, तो इसका क्या काम कर दिया था मेन?
रेवेन्यू को कलेक्ट करना, जो कर टैक्सेशन था, पैसा था, उसको कलेक्ट करना, और न्याय से इसको हटा दिया था कॉर्नवालिस ने, है ना। न्याय का जो मजिस्ट्रेट का हक था वो छीन लिया था, पर हेस्टिंग ने इसको दोबारा से मजिस्ट्रेट का काम सौंप दिया। मतलब अब ये रेवेन्यू भी कलेक्ट करता था और न्याय करने का काम भी करता था। इसके बाद इसने क्या किया था, हेस्टिंग ने सबसे पहले जो वर्नाकुलर स्कूल्स थे, मतलब जो भारतीय भाषाओं के स्कूल थे, है ना, उनकी स्थापना करी। तो पहला जो गवर्नर जनरल था जिसने शिक्षा के लिए कुछ किया, तो वो था लॉर्ड हेस्टिंग। ठीक है, काफी लिबरल विचारधारा थी इसकी, काफी शिक्षा को लेके, है ना। तो ये एक अच्छा काम किया उसने। और 1817 में हिंदू कॉलेज की जो स्थापना की कलकत्ता में, वो इसके टाइम पीरियड में ही की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश और वेस्टर्न साइंस की एजुकेशन दी जाती थी, है ना। तो इसमें इससे राजा राम मोहन राय इस कॉलेज से जुड़े रहे थे, है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट कॉलेज था उस टाइम में, हिंदू कॉलेज, है ना। देन प्रेस की स्वतंत्रता के लिए भी इसने काम किया। इसने दो अच्छे काम किए थे, प्रेस के लिए और शिक्षा के लिए। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता के लिए काम किया, जो सेंसरशिप एक्ट हुआ करता था 1799 में, जो वेलेस्ली ने लागू किया था, उस एक्ट को हटा देता है। इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या होता था, जो भी प्रेस की चीजें होती थी वो सेंसर की जाती थी पहले, तो वो चीजें हटा देता है, काफी आजादी देता है प्रेस को, है ना। उसके बाद तो आप कह सकते हो कि एक महान योद्धा था, कुशल प्रशासक था। ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो आपका मेंस के आंसर में, है ना। शिक्षा और प्रेस के लिए उदारवादी दृष्टिकोण था इस बंदे का। और वेलेस्ली के बाद सहायक संधि का सबसे अच्छा उपयोग करके साम्राज्य में वृद्धि की। तो ये इंपॉर्टेंट था, है ना। तो ये तीन चार जो गवर्नर जनरल थे वो इस वीडियो में खत्म किए हैं, और इसके आगे कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आपको कैसा लगा वीडियो, प्लीज लाइक करिए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया हुआ है। और अभी कुछ 6-7 दिन का गैप आ गया था, मैं कुछ पर्सनल काम बहुत अर्जेंट आ गए थे, तो उस वजह से मैं वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहा था। तो वो जो कमी रह गई है 5-6 दिनों का जो गैप हो गया था, उसको पूरी कोशिश करूंगा मैं, उसको पूरा कोर्स कवर कर रहा हूँ, है ना। ऑलरेडी टाइम कम बचा है, मुझे भी इसका एहसास है। बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास कि सर स्पीड करो, स्पीड बढ़ाओ। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ यार, ठीक है। जितना भी टाइम मिलेगा मैं पूरी आई मीन पूरी मेहनत से अब वीडियोज अपलोड करूंगा स्पीडली। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, अभी बनाने जा रहा हूँ नेक्स्ट। ओके, गुड बाय, टेक केयर।